कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। पर रखें और पार्श्वनाथ भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए अपने आँख कान जागृत रखें। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ ओ सुमति दातार वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनि जन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार मंगल भवन मंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी मंगल भवन मंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की ये पार्श्व कथा है गुरु प्रणम्य के ज्ञान की। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्वभवों की यह कथा चल रही है। पूर्वभव में महामंडलीक राजा आनंद के रूप में वह जीव अपना जीवन जी रहा है और उन्हें एक बार नंदीश्वर के पर्व में मुनि महाराज के दर्शन के उपरांत उनसे कुछ प्रश्न चर्चा करने का एक सुयोग बना है और उस प्रश्न को जब उन्होंने मुनि महाराज के समक्ष रखा तो मुनि महाराज ने उनके प्रश्न का चार दिन में बहुत अच्छे से उत्तर दिया जिस उत्तर को आप लोग सुन चुके हैं और जिस उत्तर को सुनने के बाद उन आनंद राजा के अंदर अपने आप यह विश्वास उत्पन्न हो रहा है हो ही गया है कि जिन प्रतिमाओं का हमारे भावों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उन जिन प्रतिमाओं के अंदर भले ही वह धातु निर्मित हों पाषाण निर्मित हों लेकिन उनके अंदर की उस प्राण शक्ति के कारण उनमें जीवंतता नजर आती है और उन प्रतिमाओं के दर्शन से हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है। भाव शुद्धि का वह एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस विचार के साथ में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आगे मुनि महाराज और भी समझाते हुए कहते हैं पेज नंबर 57 पढ़ते हैं।
मणिमंत्रादिक औषधि हैं प्रत्यक्ष जड़ रूप, विसरोगादिक को हरें त्यों यह अगहर भूप। जड़ स्वरूप को पूज पद प्रकट देखिए लो, राजपत्र सिर धारिए मुद्रा अंकित हो। राजपत्र सिर धारिए राजा को भय मानी, जिनवर मुद्रा पूजिए पातक की डर जानी। प्रतिमा पूजन चिंतवन दर्शन आदि विधान, हे प्रमाण तिहुनार में तीन लोक में जान। जे प्रतिमा पूजे नहीं निंदा करें अजान, तीन लोक तिहु काल में तिन सम अधम न आन। जी प्रतिमा पूजे सदा भाव भक्ति विधि सुमोती, तिन को जन्म सराहिए धन तिन की सदभूति। इत्यादिक उपदेश सुन आई उर प्रतीत, जिन प्रतिमा पूजन विषय धरी राय दृढ़ प्रीत। रे भैया धरी राय दृढ़। और मुनि महाराज कई उदाहरणों के माध्यम से समझाते समझाते अभी भी अंत अंत में एक बार समाचार फिर कह रहे हैं। देखो जितनी भी मणियाएँ होती हैं, मंत्र होते हैं, औषधियाँ होती हैं, ये सभी अचेतन होते हैं, जड़ होते हैं, लेकिन फिर भी इन जड़ पदार्थों में इतनी शक्ति होती है कि ये जड़ के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं और चेतन के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। अगर आपको कभी विष चढ़ जाए तो विष किसको चढ़ता है बताओ, चेतन के ऊपर चढ़ता है या अचेतन के ऊपर चढ़ता है? क्या बोल रहे, फंस जाओगे कुछ भी बोलोगे तो। अगर आपको किसी कीड़े ने काटा या बिच्छू ने काटा या सर्प ने काटा और विष चढ़ा तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? केवल शरीर में विष चढ़ता है, आपकी चेतना जागृत रहती है? हाँ? लोग कह रहे हैं केवल अचेतन के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर केवल अचेतन के ऊपर फर्क पड़ता हो तो फिर केवल शरीर के ऊपर ही फर्क पड़ना चाहिए, शरीर में ही विष चढ़ना चाहिए। आपकी चेतना क्यों मूर्छित हो जाती है, आप क्यों मूर्छित हो जाते हैं? और अगर केवल चेतना पर ही प्रभाव पड़ना चाहिए तो फिर शरीर बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, वो नीला क्यों हो जाता है? क्यों सुन रहे हो, समझ आ रहा है? इन विष आदि का प्रभाव, इन मंत्र आदि का प्रभाव हमारी चेतना पर भी पड़ता है और अचेतन शरीर पर भी पड़ता है। मंत्र के प्रभाव से विष दूर होते हैं, औषधियों के प्रभाव से अनेक रोग दूर होते हैं और अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं भी मंत्रों के प्रभाव से दूर होती हैं। ये मंत्रों के प्रभाव प्रकट आदमी महसूस करता है, अनुभव में लाए जाते हैं। आप अनेक प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं और उन मंत्रों को अगर हम किसी उद्देश्य के साथ में पढ़ते हैं तो उन मंत्रों के प्रभाव से हमारे उद्देश्यों की भी पूर्तियां होती हैं, कार्य सिद्धियां होती हैं। यह मंत्रों के औषधियों के प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ते हैं। ये मंत्र और औषधि सभी क्या हैं? अचेतन हैं, जड़ हैं। जब इनके प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ते हैं तो फिर
अचेतन प्रतिमा का प्रभाव भी हमारी चेतना पर क्यों नहीं पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है, राजपत्र सिरधारिये राजा को भय मानी। राजपत्र होता है राजा की आज्ञा जिसमें लिखी होती है, उस राजपत्र को अगर कोई अपने सिर पर धारण कर लेता है तो वह अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, और जो राजा की आज्ञा मानता है उसे राजा की आज्ञा उस सिर पर पत्र धारण करके माननी पड़ती है। राजा की आज्ञा मान ली माने आपने राजा को मान लिया, और नहीं मानी, सिर पर अगर वह पत्र होता है वह धारण नहीं किया तो भय होता है, भाई कोई देख ना ले इसने राजा आज्ञा मानी नहीं है, इसको दंड मिल सकता है। कागज का भी अपना महत्व होता है, अचेतन होते हुए भी, जड़ होते हुए भी। आप अपनी पॉकेट में जो नोट रखते हैं वो क्या होते हैं, जड़ होते हैं कि चेतन होते हैं? जड़ होते हैं। अगर आपकी जेब में हजार हजार के भी नोट अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, बंद हो गए सब, चल रहे नहीं चलते अब, 200 के, 500 के, 500 के 200 के चल रहे हैं, मान लो 500 के आपकी जेब में 100 नोट रखे हों, आपकी चेतना पर कोई फर्क पड़ता है उसका कि नहीं पड़ता है? कैसी रहती चेतना? हाँ बिल्कुल, मुख खिला खिला रहता है, जेब गर्म रहती है तो हाथ भी गर्म रहते हैं, जेब गर्म रहती है चेहरा भी प्रसन्न रहता है, और उस चेहरे पर उस जड़ का प्रभाव पड़ता है। और अगर वही 500 के नोट कहीं कोई जेब कटतरा जेब कट कर ले और निकाल ले जाए, क्या समझ में आ रहा है, फिर मुंह कैसा हो जाता है, क्या हो गया? जड़ का प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये समझाया जा रहा है आपको। वही कागज है और कुछ नहीं है, ऐसे कागज आपको अपने घरों में कई जगह मिल जाएंगे, लोग नोट भी बनाते हैं और नोट छापने की मशीनें भी बनती हैं, लेकिन अगर उस नोट पर जो गवर्नमेंट की मोहर होती है वो अगर नहीं लगी हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो एक कागज की तरह होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं हो तो उस कागज से भी आपको प्रसन्नता हो सकती है, और अगर आपके लिए वह कागज का आना और जाना किसी भी तरह से आपके मन को प्रभावित करता है, आपकी चेतना को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब है जड़ से भी हमारे अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है ना? जितना हमारे पास में धन वैभव अच्छा होता है उतने ही हमारे परिणाम भी अच्छे होते हैं, और एक प्रसन्नता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। सुन रहे हो अशोक भाई साहब, बैठ गए क्या आगे? पूछ लो, देखो प्रसन्न रहते हैं कि नहीं हमेशा। यह प्रसन्नता ही अपने आप में किससे आती है? अब भले ही आपकी जेब में कुछ ना हो, लेकिन अगर आपके नाम से है, आपके ध्यान में है कि हमारा कितने का कारोबार है, तो उससे भी आपके अंदर हमेशा एक प्रसन्नता बनी रहेगी, एक गर्मी बनी रहेगी, आप कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे। वो गर्मी अलग होती है, किसकी गर्मी? हाँ, कितनी प्रॉपर्टी है हमारी, कितना बैंक बैलेंस है हमारा, भले ही अपने जेब में कुछ नहीं है लेकिन वो हमारा है, इसकी गर्मी अपने आप में एक अलग होती है, इसकी ग्लो चेहरे पर एक अलग होती है, और इसके माध्यम से हमारी चेतना पर भी प्रभाव पड़ता है। ये आपके अंदर अनुभव में आता है कि नहीं आता, बोलो आता है? तो कागज क्या है? चेतन है। नोट क्या है? चेतन है क्या? उस पर गांधी जी की मोहर लग गई तो गांधी जी बैठ गए क्या? उस पर गांधी जी हो गए क्या? वो भी तो गांधी का एक फोटो ही है, और उसके कारण से वह मुद्रा कितनी मान्य हो जाती है, सरकारी मुद्रा हो जाती है, उस मुद्रा का आप अपमान नहीं कर सकते, और उस मुद्रा के माध्यम से आपके अंदर अनेक तरह के अपने आप प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। वह भी तो जड़ होती है,
तो इतने सारे उदाहरण देने के बाद में अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जड़ चीजों का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तो वह प्रतिमा जो मंत्रों से मंत्रित होती है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं से शुद्ध और मंत्रित होती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे भावों पर अवश्य ही पड़ता है। इसीलिए उन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित कराने के लिए लोग कितना कितना प्रयास करते हैं। सुन रहे हो, मांगिया वास वाले तो यहीं के हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के ही हैं। मंदसौर वाले आए हैं, कल रोहतक वाले, रुड़की वाले आए थे, आज मंदसौर वाले भी आए हैं। इनसे पूछो, 300-300 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? प्रतिमा तो रखी है, और वही प्रतिमाएं जो अभी बिल्कुल जड़ रूप दिखाई देती हैं, जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मुनि महाराज के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, उसमें मंत्र शक्तियों के माध्यम से उसको जागृत कर दिया जाता है, तो वही पाषाण हमारी चेतना को इतना प्रभावित करने के लिए कारण बन जाता है कि हमारे अंतरंग में अनादि काल से चला आया हुआ मिथ्यात्व कर्म जो हमारी आत्मा में बैठा हुआ होता है वह विगलित हो जाता है और सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लोगों को प्रयास करना पड़ता है, महाराज प्रतिष्ठा करानी है, 1 साल से इंतजार चल रहा है मंदसौर वालों का, थोड़े 1 साल और कर लो। अब मुनि महाराज जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। आपको अगर प्रतिष्ठा का भाव है और ये भाव आपके अंदर है तो ये भाव क्यों आया? क्योंकि प्रतिष्ठा के बिना वह पाषाण हमारे लिए पूजनीय नहीं होता। हर कोई प्रतिमा दुकान पर रखी हुई पूजनी नहीं हो जाती। वही प्रतिमा जब मंदिर में आने के उपरांत जब प्रतिष्ठित हो जाती है, पंच कल्याणक महोत्सवों के माध्यम से, पंच कल्याणकों के मंत्रों के माध्यम से, तो वही प्रतिमा अपने आप में इतनी पूजनीय हो जाती है। अगर हम उस प्रतिमा के मन में अनादर के भाव भी अगर स्वप्न में भी ले आए तो भी पाप का बंद हो जाता है। सोचो, लोग डर जाते हैं अगर उन्होंने कभी प्रतिमा का स्वप्न में भी अनादर कर दिया हो। इसलिए जो जिन प्रतिमा को हमेशा पूजता है, उन प्रतिमा की अपने अंदर मान्यता रखता है, भाव विशुद्धि बढ़ाने के लिए उनका आलंबन लेता है, तिनको जन्म सराहिए धन तिनकी सद्बुद्धि। उन्हीं के जन्म की सराहना करनी चाहिए, इनका जन्म ही धन्य है, धन्य है, धन्य है। किनका? जो भगवान की प्रतिमाओं की पूजन करते हैं, प्रतिष्ठाएं करवाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी बुद्धि धन्य है, उनका जीवन धन्य है। और जो लोग किसी भी तरह से कभी भी जिन प्रतिमा की निंदा कर लेते हैं, उन्हें 3 लोक में ऐसे पाप का बंध होता है कि उन्हें उस पाप का फल भोगने में आंसू आ जाते हैं। अंजना का दृष्टांत हमेशा अपने दिमाग में रखना। पिछले जन्म में उस प्रतिमा की अनादर कर दिया था, पिछले जन्म में, और घर में रखी हुई उस प्रतिमा को, जो पूज्य थी, उसको कुएं में डाल दिया था, दौरानी जिठानी कुछ भी हो, ताकि ये उसका पूजन ना कर पाए दूसरी। और उस प्रतिमा को निकालने में तब तक 22 मिनट लग गए यूं समझ लो, और उस 22 मिनट में इतना कर्म का बंद हो गया कि अगले जन्म में जब वह सब प्रकार के वैभवों से संपन्न थी, राजपुत्री थी, लेकिन 22 वर्ष तक उसे अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। पति ने उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ये इतने अंतराय कर्म के बंध अचेतन के अंदर नहीं पड़ते, चेतना के अंदर पड़ते हैं। इस चेतना में कर्मों का जब बंध हो जाता है तो चेतना फिर उसी कर्म का फल भोगती है और दुखी होती है। जो लोग
जिन प्रतिमा के ऊपर किसी भी तरह से प्रहार करते हैं, किसी भी तरह से उनके लिए खंडित करते हैं, ऐसे लोगों का भविष्य तो केवली भगवान ही बता पाएंगे। लेकिन अगर कोई मन से भी उनकी कभी अवमानना करता है, निंदा करने का भाव कर लेता है, तो भी उसके अंदर पाप का बंध हो जाता है, इतना इन प्रतिमाओं का प्रभाव रहता है। इसलिए यह उपदेश सुनने के बाद में जैसे राजा आनंद के अंदर यह प्रतीति आने लगी, यह उसके अंदर एक फीलिंग आने लगी कि हाँ, इन प्रतिमाओं का कभी भी हमें निरादर करना तो दूर, अब हमें कोई संशय का भाव भी नहीं रहेगा कि इन प्रतिमाओं के माध्यम से हमारी मन पर, हमारी चेतना पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब हमें विश्वास हो गया है कि इन प्रतिमाओं के माध्यम से ही हमारे अंदर वीतरागता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, और दुनिया में कोई कारण नहीं है जो हमारे अंदर वीतराग भाव ले आए। शुद्ध भावों की प्राप्ति, शुभ भावों की प्राप्ति, कसायों का क्षय, मिथ्यात्व का गलन, ये जो अनादिकालीन कर्म हमारे अंदर बैठे होते हैं, ये भगवान के केवल दर्शन से ही विगलित हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। वह भगवान का दर्शन ही हमारे मन को शुद्ध करने वाला हो जाता है। केवल उनका देखना, उनके मुख कमल पर अपनी दृष्टि डालना ही हमारे लिए शुभ कारक होता है, और उसकी दर्शन की विधि में अगर आप भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, आप भगवान के मुख कमल पर अपनी दृष्टि रखते हैं, तो आपके लिए वह दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। ये बातें आपको भी सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। हमने कहां से सीखी ये बातें? हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाई। सुन रहे हो? कुंडलपुर के बड़े बाबा जिस समय पर अपने पुराने स्थान से नए स्थान पर विराजमान हुए, उस समय उसका साक्षी हम भी बने। गुरुदेव के चरणों में उस समय पर हम उस समय पर उनके चरणों में थे, उसके साक्षी हम बने। और दूसरे दिन वह प्रतिमा रखने के बाद, जब दूसरे दिन उस प्रतिमा की शुद्धि की गई, पूरा मुनि संघ था वहां पर, आचार्य परमेष्ठी के साथ में, आचार्य संघ के साथ में अनेक आरिका संघ भी था वहां पर, और आचार्य महाराज वहां पर उस प्रतिमा की, वहां से आने जाने में कुछ हो जाता है, लाने लेना है, तो उसकी शुद्धि करनी होती, उसकी शुद्धि कर ली। और शुद्धि करने के बाद जब वह उस उच्च स्थान से, भगवान से, वहां से हट करके दूर आकर के खड़े होकर वहां से देखने लगे प्रतिमा को, हम वही बगल में खड़े थे, हमारी तरफ उन्होंने ऐसी दृष्टि डाली, और भी कई महाराज खड़े थे वहां पर, और उन्होंने ऐसे दृष्टि डाल करके कहा, कहां देख रहे हो? भगवान को देख रहे? भगवान में भी कहां देख रहे हो? पूरे भगवान को देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये बड़े बाबा हैं, इनकी बड़ी बड़ी आंखों पर अपनी दृष्टि रखो, इनकी आंखों में अपनी दृष्टि को लगाओ, इनके दर्शन करने से आपके अंदर सम्यक दर्शन के भाव उत्पन्न होंगे, दर्शन विशुद्धि होगी। उस समय जो उन्होंने यह ज्ञान दिया, और उस समय पर जब इस तरह से केवल उनकी दृष्टि पर दृष्टि लगाओ बस, और कहीं मत देखो, हमारा मन होता है सब और देखें, एक साथ पूरा निहार लें, लेकिन आचार्य महाराज ने क्या कहा, उनकी दृष्टि में दृष्टि रखो, बहुत अच्छा लगेगा, और वास्तव में अच्छा लगता है। आप चाहे अपने मंदिर के भगवान को देखना, चाहे बड़े बाबा को जाकर के देखना, और एक बार इसी भाव से बड़े बाबा को जाकर के देखना, आपको लगेगा जो दर्शन हमने पहले कभी बड़े बाबा के किए होंगे, उससे कई गुना अच्छे दर्शन मुझे अब हो रहे हैं, जब हम भगवान की दृष्टि को सिर्फ देख रहे हैं, कॉन्स्टेंट अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि पर कर रहे हैं। ये दर्शन की विशुद्धि का भाव होता है, और इसी दर्शन से
आत्मा के अंदर वितरागता उत्पन्न होती है। ये गुरुओं की अनुभूतियां जब हमें सुनने को मिलती हैं तब हमें भी समझ आता है, दर्शन तो हम बचपन से करते आ रहे थे लेकिन गुरुदेव ने दर्शन की ये अच्छी विधि बताई, जब उन्होंने हमको बताई तो फिर हम आपको भी बता सकते हैं, हमें क्यों कंजूसी करना। आप भी दर्शन लाभ लो, दर्शन विशुद्धि बढ़ाओ, सभी तीर्थंकर कर्म का बंद करें, सभी जीव तीर्थंकर बने, 16 कारण भावनाओं को भाएं। इस तरह की यह विशुद्धियां सबके लिए उत्पन्न होनी चाहिए और ये भाव विशुद्धियां भगवान के दर्शन से आती हैं। पूजन कर लो तो और बड़ी बात हो गई, और उनका हृदय में ध्यान कर लो फिर तो कहना ही क्या। वह भगवान की इस तरह की जो सेवा हम कर पाते हैं इसी का नाम सेवा कहलाता है, और कोई सेवा नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमने भगवान के ऊपर खूब छन्ना लगा दिया, घिस दिया तो हमने सेवा कर ली। भगवान को छन्ना से पहुंचने का नाम सेवा नहीं है, भगवान के दूर से दर्शन करना, पूजन करना, उनकी श्रद्धा से अपनी आत्मा में उनकी श्रद्धा से भर जाना, ये उनकी सेवा है, सही सेवा। और इस तरह की सेवा जो लोग करने लग जाते हैं उनके तो क्या कहें, चांदी चांदी हो गई, सोना सोना हो गया, सब हो जाता है। समझ आ रहा है? इस तरह की भावनाएं जब पैदा हो जाती हैं तो अपने आप दर्शन पूजन के मन बनते हैं। और जिन बच्चों में एक बार अगर पूर्व जन्म का भी संस्कार होता है तो इस जन्म में फिर वे कभी प्रश्न भी नहीं करते हैं, अपने आप वे दर्शन पूजन में तत्पर हो जाते हैं। और अगर प्रश्न कर भी लें तो कोई बात नहीं, वह प्रश्न का उनके अंदर समाधान हो जाए और समाधान होने के बाद में वह उस चीज को स्वीकार करने लग जाएं कि हाँ, भगवान के मंदिर में जाने का बहुत महत्व है, भगवान के दर्शन करने का बहुत महत्व है। और जो भाव हमारे दर्शन से उत्पन्न होंगे वो हम घर में बैठे बैठे कितना ही कहते रहें हमारे भाव अच्छे हैं, हमें दर्शन करने की क्या जरूरत है। अच्छे भाव तभी बनेंगे जब दर्शन करने जाओगे। समझ आ रहा है बेटे बेटियों को? समझ आ रहा है? दर्शन करने के भाव रखना भी अपने आप में भाव शुद्धि है, भले ही हम ना करने जा पाए लेकिन कभी मना नहीं करना कि नहीं हमें दर्शन करने नहीं जाना, ये खराब भाव। नहीं भी जा पाओ, आवश्यक कार्य है, कुछ भी कारणों से हम नहीं भी जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन भाव क्या होना चाहिए, हम नहीं जा पाए, जाते तो आज हमें और अच्छा लगता और आज हमारे भावों में विशुद्धि आती, आज हमारे लिए और अच्छा पुण्याश्रव होता, हमारे परिणाम और शुद्ध होते। ये विचार जब बच्चों के अंदर आने लग जाता है तो उनका पुण्य घर बैठे बैठे भी बढ़ने लग जाता है, इसी का नाम कहलाता है अच्छे भावों से पुण्य आना, धर्म होना। ऐसा यह धर्म मुनि महाराज आगे और सिखा रहे हैं, सुन रहे हो? थोड़ा सा और पढ़ें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, वही घर आवे स्वभाव जन गुण गावे, तिस अवसर मुनि वर नेता में, तीन भवन वरती जिन धाम, भानु विमान विषे जिनगे, सो पहले वर ने धरिने, रतनमयी प्रतिमा जग मग, कोट भानु छवि छीनी लगे, निरूपम रचना विविध विशाल, सूरज देव नमेति हुकार, सुन आनंदो आनंद राय, विकसत आनन अंग नमाय, जब संदेह सर्व निरवरे, तब अवश्य उर सुख विस्तरे, प्रात सांझ मंदिर चढ़ि सोय, अर्घ देय रवि सम्मुख होय, करि जिन बिंबन को मन ध्यान, स्तुति करे राग मन आन। क्या हुआ? फिर जब मुनि महाराज ने देखा है जिन प्रतिमाओं की बारे में पूछ रहा है, तब उस राजा को समझाया, राजन ये जिन प्रतिमाएं जो तुमने बना रखी हैं वो अलग हैं,
ऐसी भी जिन प्रतिमाएं होती हैं जो अनादिकाल से स्वयं प्रतिष्ठित हैं, अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ये तुम्हारे जिनालय तो कृत्रिम जिनालय, और उन अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन मुनि महाराज ने करना शुरू कर दिया। तीन लोक में, अधोलोक में जिनालय होते हैं, भवनवासी देवों के जिनालय होते हैं 7,72,00,000 जिनालय, व्यंतर देवों के अनेक द्वीपों में पर्वतों पर जिनालय होते हैं, असंख्यात संख्या में जिनालय होते हैं। ये जितने भी हमें सूर्य चंद्रमा तारे दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं, चमकते हुए विमान होते हैं, जो इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि वो हमें थोड़े थोड़े से चमकते हुए दिखाई देते हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा के विमानों का एक प्रताप प्रकाश अलग होता है, बाकी सब ताराओं के विमान सब छोटे छोटे प्रकाश के साथ होते हैं, और इन सब के अंदर, विमानों के अंदर अनेक अनेक ज्योतिषी देव रहते हैं। तुम्हारी जयपुर जैसी वहां पर कई नगरियां बसी होती हैं, भारत देश जैसे तो उनके मकान होते हैं, बड़े बड़े उनके अपने अपने महल होते हैं, असंख्यात योजनाओं के बने हुए होते हैं, और उनमें सब कुछ होता है। कल्प वृक्ष होते हैं उनमें, हर तरह के, जैसे आप अपने घरों में स्विमिंग पूल बनवाते हैं वो भी वहां बने हुए होते हैं। वहां पर जिनेन्द्र भगवान के बड़े बड़े मनहारी आलय होते हैं, जिन बिंब होते हैं, ऐसा कोई भी तारा नहीं है, ऐसा कोई भी ज्योतिष मंडल का एक भी ऐसा नक्षत्र नहीं, सूर्य आदि चंद्रमा आदि कोई भी ऐसा एक भी विमान नहीं जहां पर जिनेन्द्र भगवान के जिनालय ना हो और उनमें जिन प्रतिमाएं ना हो। ये सब वर्णन मुनि महाराज ने किया तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, उसको हर्ष के साथ स्वीकार किया। और उस वर्णन करते करते मुनि महाराज ने जब सूर्य का वर्णन किया कि सूर्य के भी विमान में जिनालय होते हैं, उसमें जिनबिंब होते हैं, तो राजा को बड़ा आनंद आया सुन करके। सूर्य में भी तो कैसे करें, विश्वास हो गया मुनि महाराज के कहने से कि उसमें रत्नों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं रत्नों के, जो हमेशा जगमगाते रहते हैं, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा जिनका प्रकाश होता है। ऐसे भगवान का जब वर्णन किया गया तो राजा आनंद के मन में यह भाव आ गया कि ऐसे भगवान को हम कैसे देखें, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो पूछा महाराज से, क्या इन्हें कोई मनुष्य नहीं देख पाता? तो महाराज कहते हैं, हां देख तो लेते हैं, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज देख लेते हैं, और अगर मुनि महाराज नहीं भी हो तो श्रावकों में भी ऐसे चक्रवर्ती जैसे श्रेष्ठ श्रावक होते हैं, उनको ये जिन बिंब देखने का अवसर मिल जाता है। भरत चक्रवर्ती ने अपने 84 खंड के महल पर खड़े होकर के इन जिन बिंबों को अपने ही महल की छत पर से खड़े होकर के देखा है, उनको दिखाई देते हैं। अब 84 खंड का पहले महल बनाना, तुम कितने का, हाँ और इतनी इतनी 84 खंड मत बना लेना, 10-10 फीट की 84 अगर डाल दोगे पटान तो कुछ नहीं होगा उससे। वह इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर वो चक्रवर्ती हैं तो किसने धनुष के 500 धनुष, एक धनुष माने 4 हाथ, माने 3,000 फीट के 84 खंड बनाना, और फिर उस पर आप 3,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े होना, तो आपको भी दिखाई दे जाएगा हमें लगता है। समझ आ रहा है? क्योंकि भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी है, 500 धनुष है। आदमी अपनी हाइट से तो ऊंचा बनाता ही है ना मकान। अगर आप 5 फिट के हो, 10 फिट की कम से कम रूफ डालते हो ना, तो वो 500 फिट के, 3,000 फिट के होंगे तो उनके छत कितनी होगी, ज्यादा ही होगी, हम तो फिर भी 3,000 बोल रहे हैं। अब आप सोचो, इतनी ऊंचाई पर चढ़कर के वह भरत चक्रवर्ती एक विशेष दिन जब वह सूर्य का अपनी राशि में संक्रमण होता है, उस दिन वह उस सूर्य को देख पाते हैं, और उन्हें सूर्य के विमान में अनेक जो जिनबिंब हैं जिनालय के अंदर, उनके दर्शन हो जाते हैं, वह एंगल तब बनता है। तो हम क्या करें महाराज, आप क्या करो,
अगर आपको इतनी इच्छा हो रही है तो यहीं से बैठ करके भावपूर्वक नमोस्तु करो, वंदना करो, और क्या कर सकते हो। वह चक्रवर्ती के बस की बात है। ऐसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, जिन्हें अनेक प्रकार की स्तुतियों के माध्यम से अगर समझा जाए तो समझ सकते हैं कि उन भरत चक्रवर्ती की भी कितनी विशेषताएं थी। दृष्टार्क चैत्यस्य यथेष्ट दाता शारीर दंडस्य च यो विधाता, ये उन भरत चक्रवर्ती की स्तुति करते हुए एक अष्टक लिखा था, उसकी लाइन सुना रहा हूं आप। जो अर्क के अंदर माने सूर्य के अंदर जिन बिंब के दृष्टा हैं, किमिच्छिक दान देने वाले हैं, शारीरिक दंड के जो विधाता हैं, ऐसे भरत चक्रवर्ती की अनेक अनेक विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को भी हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कभी आप भरत अष्टक पढ़ना, कौन सा, महावीर अष्टक तो बहुत पढ़ा है आपने, कभी भरत अष्टक भी पढ़ना। भरत भगवान की स्तुति एक 8 छंदों में शॉर्ट में की गई है, और उस स्तुति में वह सब विशेषताएं लिखी हुई हैं जो भरत चक्रवर्ती की विशेषताएं। यन नाम तो भारत वर्ष कीर्तिर नाभे जातस्य जये सुकीर्ति, जिनके नाम से इस भारत वर्ष की कीर्ति है, ऐसे वह आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत की कीर्ति हमेशा जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आप सोचो, आप जिस भारत देश में रह रहे हो उस देश के लिए आपके अंदर गौरव का भाव कितना सा आता है? कुछ नहीं आता है। आपको सब व्यवस्थाएं अपने आप मिली हुई हैं, सब स्वतंत्रताएं अपने आप मिली हुई हैं, इसलिए आप उन स्वतंत्रताओं का केवल उपभोग कर रहे हैं। भारत देश के लिए हमारे अंदर गौरव का भाव तब और बढ़ जाना चाहिए जब हमारे दिमाग में, श्रद्धा में बैठ जाए कि इस भारत देश का नाम किसके नाम से पड़ा है। भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा है। जो भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, उनके नाम से ये भारत का नाम चल रहा है। तो इतने बड़े भारत देश के अंदर अगर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे तो किस कारण से करेंगे? कि यह भारत उन भरत चक्रवर्ती का है जो मोक्षगामी महापुरुष हुए हैं, युग की आदि में भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र हुए हैं। ऐसे महापुरुष के माध्यम से यह जो नाम बना, आज तक यह नाम इसी तरह से यथावत चल रहा है। आप कहोगे इससे कौन सी हमारे अंदर देशभक्ति आ जाएगी, क्यों नहीं आ जाएगी? आपके अंदर ये देशभक्ति का भाव तभी आएगा जब आपको यह पता हो कि इस देश का नाम किसके नाम से है। देशभक्ति के काम आप बहुत करो और आपको यही पता नहीं कि इसका नाम किसके नाम से है। और वो पुरुष क्षत्रिय पुरुष हैं, वह पुरुष अपने जीवन में चक्रवर्ती पने के साथ में जीवन व्यतीत करके, दिग्विजय करके, और उसके बाद भी अपना सारा राजपाट छोड़ करके उसी भव से तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसे दिव्य पुरुष के नाम से आज इस भारत देश का नाम है, यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात होनी चाहिए। लेकिन यह गौरव अगर आपके अंदर बढ़ता है तो आपके अंदर ये विचार दूर तक जाना चाहिए, आपके अंदर ये विचार इस रूप में आना चाहिए कि देखो जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम भी हमारे ही पूर्वजों के द्वारा, उनके ही कीर्तिमानों के माध्यम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस बात का हमारे अंदर एक प्राउड होना चाहिए। और वह देश अगर भारत है और भरत के नाम से है तो आप लोगों के मन में आ सकता है
यह देशभक्ति तो फिर जैनों की हो जाएगी, अजैनों की कैसे होगी? तो यह बात आपको दूर तक लोगों को बतानी पड़ेगी। यह बात केवल जैन धर्म के अंदर ही नहीं कही गई है, वैदिक धर्म के अंदर भी इस बात को कहा गया है। वैदिक संस्कृति में श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत बड़ा पौराणिक ग्रंथ है और उसमें भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, उसमें उनके पुत्र भरत का उल्लेख है और यह उल्लेख है कि इन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। यह अनेक वैदिक ग्रंथों में, अनेक पुराणों में इस बात का उल्लेख है। सुन रहे हो? खून उन तो तुम लोगों में बचा भी है कि नहीं, मुझे सोचने में लगता है कभी कभी, कहीं वो मरहम नमे करते करते बिल्कुल ठंडे तो नहीं पड़ गए तुम? क्षत्रियों का कुछ खून उन थोड़ा दौड़ता भी है नसों में कि नहीं दौड़ता? ऐसा लगता ही नहीं है। थोड़ी बहुत अपने देश के लिए कुछ करने का, कुछ हाथों में कुछ फड़फन होती है कि नहीं, नसें कुछ फड़फड़ाती हैं कि नहीं? अरे जब मुनि महाराज की नसें फड़फड़ा सकती हैं तो तुम श्रावकों की तो कितनी फड़फड़ानी चाहिए। इससे बड़ी संस्कृति की रक्षा की बात और क्या होगी? इससे बड़ा आपकी संस्कृति का गौरव और क्या होगा? इससे बड़ी पहचान आपकी और क्या होगी कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का नाम भारत है और वह भारत भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के पुत्र के, भरत पुत्र के नाम पर वह देश का नाम भारत है। पूरा इतिहास इसको स्वीकार करता है। गूगल में सर्च करोगे तो नेट भी आपको यही जानकारी देगा और कोई दूसरी जानकारियां पहले फितूरियां उड़ी थी कि वो राम के भाई भरत या दुष्यंत के कोई भरत उनके नाम पर था, कुछ नहीं है। ये सब बातें प्रूव हो चुकी हैं, ये सब बातें इतिहासकारों ने सिद्ध कर दी हैं। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है। अगर केवल आपके अंदर ये विचार आ जाए और आप अपने बेटों को कोई इतिहास की अगर किताबें नहीं पढ़ा सकते हो, सिर्फ इतिहास की सिर्फ एक लाइन पढ़ा दो, मैं कहूंगा आपका बेटा कभी भी ये प्रश्न नहीं करेगा कि जैन धर्म कितना पुराना है। कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतिहास की इस एक लाइन को हाईलाइट करना सीखो। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत का भारत, इसको अपने किसी भी तरीके से इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। भारत में जैन धर्म कब से आया, यह प्रश्न ही बेकार हो जाएगा। आपको कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है, कोई इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जब यह पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा है तो भरत कौन थे, उनके पिता कौन थे? अपने आप इसकी प्राचीनता उतनी सिद्ध होगी जितनी भारत की प्राचीनता होगी, उतनी श्रमण संस्कृति की, तीर्थंकरों की संस्कृति की प्राचीनता सामने आ जाएगी। देश का भी गौरव बढ़ेगा, धर्म का भी गौरव बढ़ेगा। सभी के अंदर इस इतिहास की बात को मानने के लिए विचार अपने आप उत्पन्न होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हर उस सांस्कृतिक साक्ष्य को, पौराणिक साक्ष्य को स्वीकार करता है जो पुराणों में लिखा हुआ है। आप केवल इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अनेक तरह के आप कीर्तिमान स्थापित करते हैं, अनेक तरह के चौराहे होते हैं, अनेक तरह के पार्क होते हैं, उनमें आप तरह तरह की, कई महावीर भगवान के नाम पर रखते हैं या महावीर भगवान के कोई अहिंसा के नाम पर करते हैं। आज तक एक काम नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर। अशोक पाटनी, सुनना तुम भी बैठे हो बहुत अच्छे मौके पर, कुछ कर सको तो करना। अनेक कीर्ति स्तंभ बनवाए गए, अनेक अहिंसा चौराहे बनवाए गए, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखाया गया कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत का भारत है ये।
अगर ये भारत की भक्ति के साथ में आपने इस तरह का कोई कार्य किया तो ये देश के प्रति आपका एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, देश के प्रति आपका गौरव होगा और देश को एक सही जानकारी देने का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। ये भ्रम अगर दुनिया के लोगों का टूट जाएगा तो अपने आप लोगों के अंदर ये भावना आएगी, ये विचार आएगा कि भरत चक्रवर्ती के इस भारत देश में हमें वही करना है जो भरत चक्रवर्ती ने किया। अहिंसक थे भरत चक्रवर्ती, क्षत्रिय पुरुष थे भरत चक्रवर्ती और अंत अंत में उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण करके मोक्ष का पुरुषार्थ किया। ये बहुत बड़ा संदेश अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। भारत देश के लिए करना, भारत का ही नक्शा हो और उस नक्शे में चक्रवर्ती बने हुए हों भरत चक्रवर्ती। तुम्हारे मंदिरों में भरत की मूर्तियां रखने से कोई भरत की प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उससे, और मंदिरों में रखने के लिए मैं कहूंगा भी नहीं। मंदिरों में भरत की मूर्तियां होने से कुछ नहीं होगा, उन्हें भरत चक्रवर्ती के रूप में हमें दिखाना है, जिन्होंने पूरे 6 खंड पर राज्य करके अपनी प्रशस्ति उस वृषभाचल पर्वत पर लिखी थी। आज उनका नाम भी हम नहीं लेते, आज उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, उसकी जानकारी अगर कहीं होती भी है तो मानो दिमाग के किसी कोने में पड़ी रहती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? वो फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको अपने मंदिरों में भी कोई इस तरह से करना हो तो इस तरह का कोई काम किया जाए जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ हो और एक भरत चक्रवर्ती की उसमें छवि हो और उसके ऊपर ये लिखा हुआ हो भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत का भारत, और उसके नीचे आदि पुराण, भगवत गीता, विष्णु पुराण, तमाम पुराणों के उसमें कुछ संदर्भ दिए हुए हों ताकि पढ़े लिखे लोग उसको देखें, पढ़ें और उन्हें समझ में आए कि ये किसी एक समुदाय की बात नहीं है, यह भारतीय इतिहास की बात है। और इस भारतीय इतिहास की बात को हमें उजागर करने में क्यों डर होता है? इसको विधानसभा में रखो, इसको संसदों में रखो, कहीं पर कोई ऐतराज की बात है ही नहीं, बस आपके द्वारा इसका शुरुआत नहीं की गई, बस यही कमी है और कुछ नहीं है। हर कोई मानता है इस बात को, तो हम सबसे पहले क्यों ये काम नहीं करें? अनेक लोग अनेक तरह के अपने अपने पूर्वजों की मूर्तियां बड़ी बड़ी जगह जगह पर लगाते हैं, लगाएं, कोई आपत्ति की बात नहीं, लेकिन कहीं तो ऐसा होना चाहिए जहां पर भारत देश की प्रतिष्ठा जिस महापुरुष के नाम से है उन भरत चक्रवर्ती का नाम भी तो कहीं होना चाहिए। अगर ये बात आपके कान तक पहुंचती है तो आप अपने अपने स्तर पर एक अच्छी ढंग से योजनाबद्ध तरीके से इस बात को देश के अंदर फैलाने की कोशिश करें, बुरे तरीके से नहीं, गलत मैसेज कुछ ना हो जाए, सही तरीके से, शालीन तरीके से। हम यहाँ जो कह रहे हैं वो आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको जब लोकसभा में, विधानसभा में कोई भी तरीके की चीज़ें रखनी है वहाँ पर भी इस प्रश्न को रखा जा सकता है कि इस भारत के अंदर भरत का नाम क्यों नहीं लिया जाता और भरत की एक भी मूर्ति इस भारत के अंदर क्यों नहीं है। तुम्हारे मंदिरों के अंदर की मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर ध्यान रखना, भरत चक्रवर्ती की तरह मूर्ति होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है हमें दिगंबर मूर्ति की, हमें चक्रवर्ती की तरह उन्हें प्रतिष्ठा दिलाना है, और तभी जाकर के आपको यह समझ आएगा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। इस तरह की विचारधारा जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपकी पीढ़ियों को भी गौरव पैदा होगा और अनेक तरह के उनके प्रश्नों का समाधान होगा कि ये भरत चक्रवर्ती कौन थे, वो शास्त्रों में खोजेंगे तब उन्हें जानकारी मिलेगी भरत चक्रवर्ती जिस भारत देश में हम पैदा हुए वो भरत चक्रवर्ती कौन थे। ये जानकारी जब वो लेंगे तो उनके सारे दिमाग अपने आप ठीक हो जाएंगे।
इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने इतिहास को गौरव की दृष्टि से नहीं देखा, अपने महापुरुषों के इतिहास पर आपकी कोई भी दृष्टि नहीं रही, तो आप उस इतिहास की कभी भी सत्कार, सेवा और उसकी उच्च दृष्टि के माध्यम से उस इतिहास को आगे बढ़ाने की अपने मन में कोई भावना कभी ला ही नहीं सकते। सही इतिहास सीखना, पढ़ना, पढ़ाना यह हर बच्चे का काम होना चाहिए। और अगर आपको बहुत इतिहास पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो सिर्फ आप इतना ही इतिहास पढ़ें, इस देश भारत देश का नाम किनके नाम पर रखा है, कब रखा है, कहां लिखा हुआ मिलता है, इन सब की चर्चाएं संविधान में हो चुकी हैं। समय आने पर हम आपको वो भी जानकारियां देंगे और वो सब जानकारियां जैन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। आप इस तरह के इतिहास के ज्ञान को जब अपने बच्चों को देंगे तब उनके अंदर ये सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे जो वो पूछते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर जिद करते रहते हैं, क्यों मंदिर जाएं, क्यों हम इसी धर्म को माने। अगर आप अपने पूर्वजों के प्रति ऐसा गौरव अपने पीढ़ियों में पैदा कर दें तो किसी की मजाल नहीं कि वो अपने पूर्वजों के प्रति उंगली उठा पाएं, आंख उठा पाएं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। ऐसा यह विचार आपके अंदर आना चाहिए। आनंद राजा के अंदर तो बहुत बड़ा बड़ा विचार आ रहा है। क्या क्या आ रहा है कल ही बता पाऊंगा। मुनि महाराज की वाणी सुनकर के उन्हें तीन लोक के सभी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों पर श्रद्धान हो गया, वे भावपूर्वक वंदना कर रहे हैं और उनके मन में आ गया कि अगर हम सूरज और चंद्रमा पर नहीं जा पाते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, यहीं से बैठ करके हम उनके लिए उन जिन बिंबों को प्रणाम कर लेते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं, उस प्रणाम से उन्हें क्या फल मिलता है और फिर इस लोक में क्या रीतियां चलती हैं, इस सब का वर्णन आपको कल सुनाया जाएगा। आज का ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है, कल के नए एपिसोड में आपको सब चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। ठीक है, 16 कारण पर्व चल रहे हैं, एक माला फेर लेते हैं। ओम रीमरम संवेग भावना ममास्तु, 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 ओम रीमरम
मरम संवेग भावना ओम नी 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 मरम संवेग भावना सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल सभी घर की सिद्धि से तो पहले इसको बोल ओम अरहम ओम अरहम बोल सभी घर की सिद्धि से तो पहले इसको बोल दूसरी ताली अपनी उंगलियों का इंटरलॉक करके ठोंके ओम अरहम ओम अरहम बोल सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको ओम अरहम नमः तीसरी ताली अपने उंगलियों के नीचे बने हुए पर्वतों को ठोंके केवल पर्वतों को हथेलियों के निचले हिस्से को ठोंके पहले इसको ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः पांचवी ताली कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।